पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट, सबसे पहले आप ये वाली बुक देखिए। ये जम्मू कश्मीर में अभी लॉन्च नहीं हुई है और ना ही इस बुक को कोई लॉन्च करने के लिए मान रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर इस बुक को लॉन्च नहीं कर रहे, क्योंकि आने वाले कल में अमित कपूर इस बुक में जितने भी करप्टेड लोग हैं, चाहे वो आज नेता बन के बैठे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सबको एक्सपोज करूंगा मैं। आज सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात है सुनील हाली साहब की, जो कि FFRC कमेटी के चेयरमैन हैं। आज मेरे सवाल रहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन FFRC और जम्मू कश्मीर के LG साहब और गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि सुनील हाली साहब, जो कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले दास्तान सुनाई थी कि 140 से ऊपर जो ऑर्डर है, अंडर टेबल ऑर्डर पास कर दिए गए, बच्चों की फीसों के नाम से अंडर टेबल ऑर्डर पास किए गए और उन स्कूलों के ऑर्डर पास किए गए, उनमें से कुछ स्कूल ऐसे थे जो वायलेटर थे, रेड अलर्ट पे थे, इलीगल स्कूल चला रहे थे, फिर भी उनके एनुअल जो है वो 3,000 से 12,000 रुपया कर दिया गया। उसके साथ एक न्यू एंट्रेंट फीस भी उसमें एडजस्ट कर दी गई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे पहले ये सवाल है कि अगर CBI इंक्वायरी करती है, तो सबसे पहले ये इंक्वायरी की जाए कि 124 खसरा नंबर छन्नी कमाला में, 124 खसरा नंबर छन्नी कमाला में कोई भी JDA में जाकर उसका रिकॉर्ड निकाल सकता है। जिस इंसान ने इनलीगल जमीन ऑक्यूपाइड की हो, उस इंसान को चेयरमैन FFRC कैसे रखा गया? जो एक लैंड ग्रैबर है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं झूठा हूं, मेरे को जेल में डाला जाए। अगर वो इंसान झूठा है, उसको फौरन उठाया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करने में हिस्सेदारी निभाना, ऐसे इंसान को कैसे रखा गया? और इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको दी गई चेयरमैन की, जनाब आते ही महीने दो महीने के बाद अमेरिका चले जाते हैं 40 दिन के लिए, और पेरेंट्स बेचारा तरफ रहा है यहाँ पे पेरेंट्स तरफ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं किसकी परमिशन और किसने उसको परमिशन दी कि जाओ 40 दिन छुट्टियां मना के आओ, पेरेंट्स को तरफने दो। तीसरा मेरा सवाल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर अंडर टेबल ऑर्डर में हिस्सेदारी, स्कूलों के साथ सेटिंग, उसके बाद चेयरमैन साहब कहते हैं, चेयरमैन साहब ने एक कारनामा हो तो मैं बताऊं, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल कश्मीर का एक स्कूल है जिसको CEO कश्मीर बड़गाम ने उसको इलीगल करार दिया, DC ने इलीगल करार दिया, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने इलीगल करार दिया, और उसको फेक कैम्ब्रिज के नाम से, फेक लाइसेंस के नाम से वो कैम्ब्रिज स्कूल चला रहा था, जिसने 100 करोड़ रुपया 2015 से 2024 तक इलीगल कमाया। उसको भी जनाब चेयरमैन FFRC उसके साथ दोस्ती निभाते हुए उसकी फीस फिक्स कर दी जाती है, और बोला जाता है कि इस बेचारे को डी रिकॉग्नाइज नहीं करो। अगर तुम रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको, अगर ट्रैक्टर एजुकेशन कश्मीर को बोला जाता है आप इसको एक काम कीजिए, रिटर्न में अगर आप इसको कर सकते हो तो रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब ही क्यों बड़े बड़े स्कूलों के साथ दोस्ती करके उनके लीगल ऑर्डर अंडर टेबल पास करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर का क्या काम? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के ऑफिस में मैक्सिमम स्टाफ जो है वहां पे टीचर बिठाए गए हैं, जो वहां पे ऑफिसर बिठाए गए हैं डायरेक्टर एजुकेशन के नीचे, उनके जो हस्बैंड हैं वो कहीं सेक्रेटरीट में लगे हैं या LG साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसलिए सिफारसी लोग वहां पर बिठाए गए हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट कोई सुनता नहीं। अब मैं बात करूंगा चेयरमैन FFRC में, मेरी डिमांड है कि CBI इंक्वायरी हो, और चेयरमैन साहब ने जितने भी ऑर्डर ये पास किए हैं सबसे पहले उनको हटाया जाए, एक लैंड ग्रैबर को FFRC कमेटी के मेंबर कैसे बनाया गया। अब मैं सवाल उनके सवालों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि अमित, हाँ एक चीज और, ये जो बुक आपको दिख रही है ना,
ये बुक मैंने नहीं लिखी, इस बुक में भी सुनील हाली साहब की करतूते इसमें है, कारनामे इसमें है। चैप्टर नंबर 6 में सुनील हाली साहब की गाथा दी गई है कि कैसे जब वो जस्टिस थे तब उनको इलाहाबाद ट्रांसफर किया था, क्यों किया था, क्या कंप्लेंट आई थी, और आईपी ने उसमें कंप्लेंट में पुष्टि की थी कि हाँ जो कंप्लेंटें आई हैं उसमें कुछ सच्चाई है, इसीलिए चीफ जस्टिस ने इनको इनको ट्रांसफर किया था इलाहाबाद, जहां पे 56 जजेस ऑलरेडी थे, 57 को साइड पर बिठा दिया था। ऐसे इंसान को वहां ट्रांसफर, तब भी कौन सी मजबूरी आन पड़ी इसको एफएफआरसी कमेटी का चेयरमैन बनाया, और इस इंसान ने आते ही मनमानी कर दी। अब मैं वो कह रहे थे कि अमित कपूर जो है वो स्कूलों के एजेंट बनकर, स्कूलों के एजेंट बनकर लोगों को मिसगाइड किया, और उसके बाद उनका कहना था कि अमित कपूर का बैकग्राउंड चेक किया जाए, अमित कपूर की एसोसिएशन चेक की जाए। एसोसिएशन तो मैंने आपको बता दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक पब्लिक सर्वेंट को क्वेश्चन करने के लिए क्या इस एसोसिएशन की जरूरत मुझे है? पब्लिक सर्वेंट को तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, पब्लिक सर्वेंट को कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है भाई तूने कैसे गलत काम किया, और फिर कहते हैं अमित कपूर का बैकग्राउंड चेक किया जाए। तो भाई साहब मैंने, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरे दो बेटे हैं, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ईमानदार स्कूलों के पास वो बच्चे जाते हैं, तो मेरा बैकग्राउंड चेक मत कीजिए, अपना बैकग्राउंड चेक करवाइए। और तीसरा सबसे जरूरी क्वेश्चन, उन्होंने कहा मैंने कोई एंट्रेंस फीस स्टार्ट नहीं की। अगर किसी चेयरमैन ने, पुराने चेयरमैन ने कोई गलत काम किया था, उससे गलत काम हुआ था, तो चेयरमैन का फर्ज बनता था, नया चेयरमैन आया है, पुराने ऑर्डर को रिवोक करके जो गलत ऑर्डर हुआ उसको रिवोक करके नया ऑर्डर निकाला जाए। लेकिन नहीं, चेयरमैन साहब ने ऑर्डर रिवोक नहीं किए, उनको बहाना मिल गया पैसा कमाने का, उनको बहाना मिल गया सेटिंग करने का, उनको बहाना मिल गया अंडर टेबल ऑर्डर फिक्स करने का। सबसे बड़ा प्रूफ ये देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ ये देखिए, उस दिन वो एक मीडिया वाले को बोल रहे थे मैंने सिर्फ 3-4% जो है न्यू एंट्रेंस फीस बढ़ाई है। जब सुप्रीम कोर्ट न्यू एडमिशन बंद कर चुका है तो न्यू एंट्रेंस फीस का मतलब कहां से आ गया? मीडिया में चीख चीख के बोला जा रहा था, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आता, उसका भी प्रूफ देता हूं। उनके पास जो क्या करने जाए तुम्हारे पास कंप्लेंट, तुम विश्वास के पात्र ही नहीं, तुम एक जस्टिस रिटायर्ड होकर भी विश्वास नहीं बना सके, लेकिन अमित कपूर एक सिंगल आदमी, आम आदमी होकर पेरेंट्स का विश्वास जीत चुका है। ये देखिए सबसे बड़ा प्रूफ, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन सांबा, ये सांबा की रिपोर्ट है। एक स्कूल की कंप्लेंट जाती है, 13 पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं और कहता मेरे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आया जम्मू में। कितना मीडिया में झूठ बोला, सफेद झूठ, कि मेरे पास कोई कंप्लेनेंट ही नहीं आता। ये देखिए 18 पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद सीओ सांबा रिपोर्ट डालता है कि एक बच्चे से, सिंगल बच्चे से 42,410 रुपए से लेकर 42,550 रुपया पर बच्चे से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। एक बच्चे से एक साल का 42,510 रुपए, 550 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। ये किसकी रिपोर्ट है? सीओ सांबा की। उसके बाद उसने ये भी बोला है कि एनसीईआरटी के बुक्स के एडिशनल बुक्स जो है इन्होंने लगाई है और बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस भी स्कूल में चलाया है। लेकिन चेयरमैन एफएफआरसी ने आज तक इस पेरेंट्स को, ये देखिए 6/9/2023 का ऑर्डर है, 6/9/2023 का, जनाब कहते हैं मेरे पास कोई कंप्लेनेंट ही नहीं आता। भाई साहब 6/9/2023 की रिपोर्ट भी फाइनल हो चुकी है, उसके बाद भी आपने किसी पेरेंट्स को फीस वापस नहीं करवाई, एक पेरेंट्स के साथ सेटिंग करके उसको ड्रा धमकाकर, अगर एक पेरेंट्स की दिला भी दी, लेकिन बाकी जो वहां पे 14-1500-2000 पेरेंट्स है, क्या उनको फीस वापस दिलाई? क्या ये ऑर्डर आपने वेबसाइट पे चलाया? क्या किसी की कंप्लेंट आपने वेबसाइट पे चलाई? आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम इसलिए नहीं करते। अमित कपूर को ऑर्डर पता चल जाएगा, अमित कपूर वीडियो बनाएगा, लोगों को अवेयर कर देगा, और लोग जो है पैसा वापस ले लेंगे स्कूलों के साथ, तो सेटिंग इनकी कहां से होगी? अंडर टेबल साइन कैसे होंगे? अंडर टेबल डील कैसे होगी? देना देना नहीं, यही कहा उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी एक आदमी आ जाए, कोई भी, ये ऑर्डर है एफएफआरसी का, मैं कह रहा हूं कोई भी ऑर्डर ले लीजिए आप, कोई भी एफएफआरसी का ऑर्डर है, इसमें लिखा गया है कोई स्कूल जो है वो बुक्स यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, बुक्स यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकता। इसमें साफ साफ लिखा गया है एफएफआरसी कमेटी के ऑर्डर में, हर एक फीस फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर में लिखा होता है कोई स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकता।
और तो और जब इन लोगों की फीसें सेट होती है, ये इलीगल स्कूल की फाइल कैसे लेते हैं चेयरमैन एफएफआरसी, वो समझ नहीं आती कि आपका डीसी कहता है ये इलीगल इलीगल स्कूल है, आपका सीओ कहता है इलीगल स्कूल है, आपका डायरेक्टर कहता है इलीगल स्कूल है, तो ये 5 मेंबर कमेटी के कैसे साइन कर देते हैं। बाकी मेंबर का कहना है कि हमें पता नहीं था, हमने साइन कर दिया, जैसा चेयरमैन ने कहा हमने कर दिया, हमें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर रिवोक कर देंगे, लेकिन ऑर्डर रिवोक करना, ऑर्डर 100 करोड़ के ऑर्डर रिवोक करना, आज तक डेट जितने भी नेक्सस, जितना भी करोड़ों का नेक्सस हुआ है उसको रिवोक करना उपाय नहीं, इस चेयरमैन को हटाना उपाय है, इस चेयरमैन को हटाना। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किस इंसान की प्रॉपर्टी भी, मैं कह रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस के टाइम भी इस इंसान ने लैंड ग्रैब की थी, इल्लीगल ऑक्युपाइड की थी जेडीए की, तो इसको किसने बनाया चेयरमैन एफएफआरसी, किसने इसको बनाया, यही मैं कहना चाहता हूँ। और हाँ, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ चेयरमैन सुनील हाली साहब को, आ जाओ मीडिया में मेरे सामने, आ जाओ मीडिया में, आप उन मीडिया को इंटरव्यू देते हो जो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उन मीडिया को इंटरव्यू देते हो जिनको शायद सारे चीजों का नहीं पता। अगर आप मीडिया के सामने मेरे साथ डिबेट पे आते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत निकला मुझे जेल में ठोक दीजिएगा, अगर ये इंसान गलत निकला इसको करी, मैं कह रहा हूं जहां पे भेजना होगा भेज दीजिएगा, यहां से निकाल दीजिएगा, पेरेंट्स को बचा लीजिएगा। धन्यवाद।